हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं स्फेग्नम के बारे में जानेंगे, और स्फेग्नम के बारे में हम जानेंगे काफी कुछ, और स्फेग्नम का डायग्राम समझेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्फेग्नम की, ठीक है। अब स्फेग्नम, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्फेग्नम क्या होता है। स्फेग्नम मॉस पौधों में नमी बनाए रखने का एक तरीका है। स्फेग्नम मॉस क्या है? पौधों में नमी बनाए रखने का एक तरीका है, और इसकी कठोर रेशेदार प्रकृति इसे टोकरियों को लटकाने के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। ये स्फेग्नम मॉस क्या होता है कि इसको सजावट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कठोर रेशेदार जो प्रकृति होती है वो टोकरियों को लटकाने में आकर्षक विकल्प बनाती है, ठीक है, आकर्षक बनाता है। और स्फेग्नम लगभग 380 स्वीकृति प्रजातियों काई का एक वंश है। स्फेग्नम क्या है? काई का वंश है। इसकी 380 स्वीकृति प्रजाति है, ठीक है, जिसे आमतौर पर स्फेग्नम मॉस, पीट मॉस, बेग मॉस, मतलब बहुत सारे इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इसकी 380 स्वीकृति प्रजाति होती है। आगे बात करती हूँ, स्फेग्नम के संचय में पानी जमा हो सकता है। स्फेग्नम के जो संचय होते हैं उसमें काफ़ी पानी जमा हो सकता है, क्योंकि जीवित और मृत दोनों ही पौधे अपनी कोशिका के अंदर बड़ी मात्रा में पानी रख सकते हैं। ये क्या कर सकता है? ये चाहे जीवित हो या मृत, अपने अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी को भर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब ये बड़ा होता है तो एक दलदल की भांति बन जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रजातियों के आधार पर पौधे अपने सूखे वजन से 16 से 26 गुना ज़्यादा पानी धारण कर सकते हैं। जब ये सूखे होते हैं तो क्या होते हैं, 16 से 26 गुना ज़्यादा पानी, मतलब जितना वजन उनके अंदर होता है उससे वो 16 से 26 गुना ज़्यादा पानी को भर के रख सकते हैं, ठीक है। खाली कोशिकाएं पानी को सुखाने की स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं। इसलिए जैसे जैसे स्फेग्नम मॉस बढ़ता है, क्या होता है, यह धीरे धीरे सूखे की स्थिति में फैल सकता है, जिससे एक बड़े दलदल बन जाते हैं। क्या होता है? एक बड़ा दलदल बन जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी हो जाते हैं। और स्फेग्नम और इसे बनने वाली पीट काई की कोशिका की दीवार में एम्बेड फेनोलिक योगी के कारण आसानी से क्षय नहीं होती है। जिससे क्या होता है कि जो स्फेग्नम और इससे बनने वाली जो पीट काई होती है, जो इससे काई बनती है, काई कोशिका होती है, दीवारों में एम्बेड, जब दीवारों में एम्बेड हो रही है फेनोलिक योगी के कारण, इसमें फेनोलिक योगी होता है, उसके कारण क्या होता है, ये आसानी से, मतलब क्षय, इनका नाश नहीं होता है। और सही परिस्थितियों में पीट काई मीटर की गहराई तक जमा हो सकता है, मतलब कई मीटर तक की गहराई तक ये जमा हो सकता है। तो आप इसके बारे में अपने जाना कि ये क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं और कितने बड़े होते हैं, ये क्या अपने अंदर जमा कर सकते हैं पानी, ठीक है। आप इसके डायग्राम का समझ लीजिए, तो ये इसका डायग्राम है, आप इजी ये बना लीजिएगा। इस फैग्नम की इसकी स्टीम लीफ होती है, स्टेम लीफ होती है, और मतलब जो स्टेम होता है उसमें छोटी छोटी लीफ्स होती हैं, तो इसे स्टेम लीफ है। और ये इसके हैं पेंडेंट ब्रांचेज हैं, इसकी पेंडेंट ब्रांचेज, और काफ़ी इजी आप बना सकते हैं। इसका स्पोरोफाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो निकले इनमें से ये स्पोरोफाइट होते निकलते हैं। और ये आपका क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन में, इसका किंगडम तो प्लांट ही है, ठीक है, ये एक पौधा है। और डिवीजन है इसकी ब्रायोफाइटा, क्लास है इसकी स्फेग्नोप्सिडा, और ऑर्डर इसकी स्फेग्नेल्स, फैमिली है इसकी स्फेग्नेसी, और जेनस इसका स्फेग्नम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।